आप सभी ने हिंदी में एक शब्द सुना होगा गमी, जिसका अर्थ होता है शोक या फिर दुख। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इंग्लिश में भी एक रूट वर्ड होता है गमी, GAMI। लेकिन इंग्लिश में गमी का अर्थ होता है शादी यानी कि मैरिज। कुछ लोग कहेंगे बड़ा अच्छा संयोग है, लेकिन हम गमी रूट वर्ड की मदद से अच्छे अच्छे शब्द सीख सकते हैं। जैसे पहला शब्द है मोनोगमी। मोनो का अर्थ होता है वन और गमी का अर्थ होता है शादी। तो मोनोगमी का अर्थ है द सिस्टम ऑफ वन मैरिज। एक शादी के रिवाज को हम कहते हैं मोनोगमी। और इसी से अगला शब्द बनेगा मोनोगमिस्ट। देखिए, जब भी किसी शब्द के अंत में IST होता है तो वो किसी पर्सन को डिनोट करता है। तो मोनोगमिस्ट का मीनिंग होता है अ पर्सन हु बिलीव्स इन द सिस्टम ऑफ वन मैरिज। इसी का एडजेक्टिव होता है मोनोगमस। जिन शब्दों के अंत में OUS होता है वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो मोनोगमस का अर्थ है एक विवाह के रिवाज से संबंधित। जैसे मैनी पीपल बिलीव इन द मोनोगमस सिस्टम ऑफ द सोसाइटी। इसी तरह होता है बिगमी। बिगमी में छुपा है बाई। बाई मीन्स टू एंड गमी मीन्स मैरिज। द सिस्टम और क्राइम ऑफ टू मैरिजेस। दो शादियों का रिवाज या फिर अपराध को हम कहते हैं बिगमी। और पर्सन को क्या बोलेंगे? बिगमिस्ट। अब आप बना सकते हैं। और इसका एडजेक्टिव क्या होगा? बिगमस। इसी तरह होता है पॉलीगमी। पॉली का अर्थ होता है मैनी और गमी का अर्थ है शादी। तो पॉलीगेमी का मतलब होता है द सिस्टम ऑफ मैनी मैरिजेस। इसी तरह आप बना सकते हैं पर्सन को क्या बोलेंगे? पॉलीगमिस्ट। अ पर्सन हु कमिट्स मैनी मैरिजेस और अ पर्सन हु बिलीव्स इन द सिस्टम ऑफ मैनी मैरिजेस। और एडजेक्टिव आप कैसे बनाएंगे? पॉलीगमस, OUS लगा दीजिए। इसी को सीखना कहते हैं। इसी तरह अगला शब्द है मिस ऑगमिस्ट। मिस का अर्थ होता है नफरत करना। इससे भी बहुत सारे शब्द बनते हैं जो हम किसी अन्य वीडियो में देखेंगे। तो मिस का अर्थ होता है नफरत करना और गमी का अर्थ होता है शादी और इस्ट का मतलब होता है पर्सन। तो अ पर्सन हु हेट्स मैरिज, अ पर्सन हु हेट्स द सिस्टम ऑफ मैरिज, उसको हम कहेंगे मिसोगमिस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो विवाह से नफरत करता है, उसके मन में विवाह के प्रति नफरत की भावना भरी हुई है, वो विवाह नहीं करना चाहता, वो टालता रहता है। सॉरी भाई। यदि आज का वीडियो देखकर आप शादी से डरने लगे हैं तो इसका अर्थ है आपको हो गया है गैमोफोबिया। क्योंकि फोबिया का अर्थ होता है डर और गमी का मतलब होता है शादी। तो गैमोफोबिया का अर्थ है फियर ऑफ मैरिज, शादी का डर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको कम से कम 3 लोगों से शेयर करें और उन 3 लोगों से बोलिए कि वो भी 3 लोगों से शेयर करें और वो जो 3 हैं वो भी 3। सॉरी भाई। सी यू सून।